हाँ, और एक बात, इस चीज को घर पर मत ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी तो नहीं। भाई अगर क्या होगा अगर इस बल्ब को पानी के अंदर डालने के बाद फिर जलाया जाए? तो मुझे तो अभी नहीं पता है कि इसके अंदर पानी के बाद अंदर डालने के बाद बल्ब को जलाने पर क्या वाकई ये जलेगा या फिर कुछ और हो जाएगा। बट अगर इस बल्ब को जलाने के बाद पानी में डाला जाए तो पक्का है ये बल्ब खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बट अगर इसी बल्ब को पानी के अंदर रख कर उसके बाद जलाया जाए तो क्या होगा? तो भाई ये देखते हैं कि बल्ब को पानी के अंदर डालने के बाद जलाया जाए तो क्या वाकई ये जलेगा या फिर। तो भाई मैंने इस प्रकार का एक जुगाड़ बनाया है, जो कि यहाँ पर मैंने गैजेट लगा दिया और यहाँ पर बल्ब लगाएगा। बल्ब लगाने के बाद मैं कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर रख दूंगा, तो फटाफट इस चीज को लगा लेते हैं। तो भाई पहले चेक कर लेते हैं क्या वाकई ये काम करता है या नहीं। तो भाई देख सकते हैं अभी ये बल्ब नॉर्मली जल रहा है, बट जैसे ही इसको इसके अंदर पानी के अंदर डालेंगे फिर जलाएंगे तो क्या वाकई ये जलेगा या फिर। तो भाई अभी मैं इसको अंदर डालने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या वाकई होगा, मुझे भी नहीं पता है। तो फाइनली गाइस पूरा सिस्टम बन चुका है इसके अंदर। मैंने कुछ इस प्रकार से बल्ब जो है इस चीज़ को डाल दिया है और इस चीज़ को भाई इसके अंदर होती है जो गैस उसके कारण ये पानी के अंदर जा ही नहीं रहा था। इसके लिए मैंने कुछ भारी वस्तु रखी, यानी कि मैग्नेट मैंने रख दिया इसके लिए, क्योंकि ये गोल था और इसमें आराम से आ भी गया। और साथ में मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया इसके अंदर रोकने के लिए कि अब आ रही है इस चीज़ की टेस्टिंग करने की। तो फाइनली गाइस इसने काम कर दिया और ये जो बल्ब है वो पानी के अंदर भी जल गया है। तो इसके पीछे जो साइंस है वो बता दूं, क्योंकि यार जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है या कांच जो होता है ऐसा चीज़ है जो अगर टेम्परेचर हाई से लो कर दिया जाए, लो से हाई कर दिया जाए तो वो टूट जाता है। टूटने की वजह से इसके अंदर की जो गैस होती है वो निकल जाती है। बट यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे ही पानी के अंदर मैंने डाला बल्ब जला तो उसका टेम्परेचर के कारण पानी का टेम्परेचर नहीं बदला, तो बल्ब जल गया और काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा है देखने में भी और दिखाने में भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। इस चीज़ को मैंने कुछ इस प्रकार से फिट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने इस प्रकार से बल्ब को डाल दिया है जो कि ये रहा अभी जल रहा है। यहाँ तक का लगभग पानी भरा हुआ है और ये बल्ब उसके नीचे है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिख रहा है देखने में भी। देख सकते हैं पानी के अंदर डूबा हुआ है बल्ब और हमारा बल्ब ये कामयाब है। तो भाई देख सकते हैं क्या पानी के अंदर कितनी मस्त चीज़ लग रही है जलती हुई ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखने में भी। हाँ, और एक बात, इस चीज़ को घर पर मत ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो देख के मजे लेते रहिए, इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस भी देखिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा दिया और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाने के बाद ये कैसा दिख रहा है, मतलब व्हाइट कलर का दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टार की तरह चमक रहा है, देखने में भी काफी ज्यादा ओसम दिख रहा है। तो ये जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए।